पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात में हम चर्चा करते हैं बिहार के राजनीति गलियारे में चल रही हलचलों पर। देखिए, बाहुबली विधायक अनंत सिंह की रिहाई हो गई है और अनंत सिंह के रिहाई के बाद आने वाले 2025 पर सब कुछ निर्भर कर रहा है कि क्या अनंत सिंह की रिहाई 2025 चुनाव को देखते हुए किया गया है। क्या अनंत सिंह एक बड़े फैक्टर बनेंगे आने वाले वक्त में, क्या वो जदयू को मजबूत करेंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट का वो समय था जब नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन में आरजेडी के 4 से 5 विधायकों ने अपना समर्थन दे दिया था। एक विधायक जिनके नाम की चर्चा थी, आनंद मोहन के बेटे थे चेतन आनंद, उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीलम देवी, जो आरजेडी की विधायिका रही और आनंद मोहन की अनंत सिंह की पत्नी है, तो उन्होंने समर्थन दे दिया। लेकिन अब इन सब के बीच में आप देखेंगे कि अनंत सिंह की रिहाई तो हो गई है, उनके चाहने वालों की भीड़ खूब लग रही है। उनके दोनों बेटे आज सुबह सवेरे ही पहुंच गए थे बेउर जेल के पास, जहां पर अनंत सिंह की रिहाई हो रही थी। और अनंत सिंह के रिहाई के बाद दोनों बेटों के चेहरे पे खुशी दिख रही थी, लेकिन पत्नी नीलम देवी कहां थी, इस बात की चर्चा मीडिया के कई चैनलों में चल रहा है कि आखिरकार नीलम देवी, हालांकि नीलम देवी के बारे में एक और बात हम आपको बता देते हैं कि नीलम देवी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती है, मतलब मीडिया के कैमरों के सामने नहीं रहती हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के बीच, अपने लोगों के बीच में उनका लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। और अब चूंकि अनंत सिंह आ गए हैं तो संभावनाएँ अब लगातार बन रही हैं कि अनंत सिंह आने वाले 2025 का चुनाव वो लड़ेंगे और 25 में जदयू को मजबूत करेंगे, एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे। इसलिए क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव था और इस चुनाव में भी उन्होंने ललन सिंह को मजबूत किया। ललन सिंह के जीत के पीछे कहीं ना कहीं अनंत सिंह का बड़ा हाथ था और इस वजह से ये भी एक चर्चा है कि अनंत सिंह जो जीते हैं, ललन सिंह जो जीते हैं अनंत सिंह के वजह से, तो उनको एक बड़ा तोहफा ललन सिंह के तरफ से दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और इस वजह से हालांकि कैमरे के पीछे अगर देखा जाए तो अनंत सिंह बार बार ये बात दोहराते नज़र आते हैं कि हम ललन सिंह को जिताने नहीं आए हैं, ललन सिंह के पास अपना एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक के बदौलत ललन सिंह हमेशा जीतते आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ललन सिंह के जिताने के पीछे का एक बड़ा फैक्टर है। 14 दिन के पैरोल पे जब वो बाहर आए थे तब अपने समर्थकों के बीच में अनंत सिंह खूब घूम रहे थे, खूब बातें हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी, तब मीडिया चैनल्स पे उनके इंटरव्यू की होड़ लगी हुई थी। यहीं कहीं ना कहीं एक चर्चा उठ रहा है एक बार फिर से कि आने वाले वक्त में विधानसभा का जो चुनाव है उसमें अनंत सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। और जो उनकी पत्नी है नीलम देवी, जब पति को सजा हो जाता है तो नीलम देवी चुनाव लड़ती हैं और वो जीत भी जाती हैं। सब कुछ, सारा अपडेट, सारी जो प्रक्रिया है वो अनंत सिंह अपने देखरेख में करते हैं। पत्नी चुनाव लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं, लेकिन अब पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब संभावनाएं ये हैं कि पत्नी नीलम देवी आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अब अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे और अपने जो दोनों बेटे हैं उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत अब यहां से हो जाएगी। अनंत सिंह पूरे तरीके से हर मामलों में बरी हो चुके हैं, कोर्ट ने उनको सभी मामलों में साक्ष्य के अभाव में उनको निर्दोष पाया है और अब वो हमेशा के लिए जेल से बाहर हो गए हैं, यानी कि वो निर्दोष हो गए हैं। और निर्दोष अनंत सिंह अब आने वाला 2025 का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के साथ साथ आपको बता दें कि उनके बेटे के जो चुनाव लड़ने की संभावनाएँ हैं वो अब लगभग बढ़ गई हैं। तो मुकामा, बाढ़ और तमाम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे अनंत सिंह की एक बड़ी पकड़ है और इस पकड़ को और ज़्यादा मजबूत वो करेंगे आने वाले वक्त में। और एक चर्चा ये है कि अनंत सिंह जदयू के टिकट से आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह को किसी पार्टी, किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। तो अनंत सिंह इस बात को लगातार दोहराते हैं कि हमें किसी पार्टी, हमें किसी के टिकट की ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है, हमें मौका मिलेगा तो हम
चुनाव निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह की एक बड़ी उपलब्धि है और यहाँ से अब संभावनाएं हैं कि उनकी पत्नी नीलम देवी का राजनीतिक करियर अब धीरे धीरे उनके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप और ब्रेक लग गया है। अनंत सिंह के दोनों बेटों की राजनीति में एंट्री लगभग तय है। मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार चर्चा जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।